नमस्कार, आज हम आपको लेकर आए हैं नजफगढ़ के साईं बाबा मंदिर, जहां प्रकृति भक्त फाउंडेशन ने दीपावली के अवसर पर एक विशेष सफाई अभियान का आयोजन किया। प्रकृति भक्त फाउंडेशन के अध्यक्ष हमारे साथ हैं और पहले एक स्कूल में जो है प्रिंसिपल भी थे, और आज हम उनसे बात कर रहे हैं कि वो किस उद्देश्य को लेकर प्रकृति भक्त फाउंडेशन चला रहे हैं और क्या हैं इसके नियम। स्वागत है आपका। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा मकसद एक ही लाइन का है कि हम प्रकृति के बने हुए हैं, हमारा अंदर से भी बाहर से भी 100% हम प्रकृति के बने हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से बाकी सब जीव, सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे प्रकृति का कहना मानते हैं, प्रकृति के कहे अनुसार चलते हैं, उसके नियमों को, नीतियों को, दिशा निर्देशों को पूर्णतः पालन करते हैं, लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है कि प्रकृति के जो नियम है, जो उसके आदेश है, उनकी अवहेलना भी करता है और प्रकृति को नष्ट करने का भी पूरा प्रयास करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी और हम एक बेहतर और सुंदर जीवन जीकर जाएं, तो हमें प्रकृति प्रेम से जुड़ना ही पड़ेगा। इसके बिना और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा भी प्रकृति की तरफ बह रही है, हमारा शरीर भी प्रकृति की तरफ बह रहा है, और हमारा जो भी ज्ञान है वो प्रकृति का ही हमें जो है संदेश देता है, लेकिन हम अपने परमात्मा के दिए गए संदेश को भी, वेदों के दिए गए संदेश को भी, गीता रामायण और भागवत के दिए गए संदेश को भी अनदेखा करके हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी लालच के लिए इस प्रकृति का विनाश करने पर लगे हुए हैं। प्रदूषण फैलाकर, गंदगी फैलाकर, जमीन को खराब कर, कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हम प्रकृति को विनाश करने के लिए ना करते हो। तो हम अगर चाहते हैं कि धरती सुंदर और लाजवाब बने, तो हमें प्रकृति भक्ति के साथ और प्रकृति भक्त फाउंडेशन के साथ जुड़ना पड़ेगा। बस हमारा यही लक्ष्य है, किसी को बहकाने का कोई लक्ष्य नहीं, किसी को बरगलाने का कोई लक्ष्य नहीं, कोई धर्म खड़ा करने का लक्ष्य नहीं, किसी को धर्म से विचलित करने का लक्ष्य नहीं, कोई निराकार साकार में कोई हमारा अंतर नहीं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं, सब एक समान है परमात्मा की नज़रों में। पर हम कार्य जो भी करें वो प्रकृति को ध्यान में रखकर करें। जय प्रकृति माँ। तो इस अभियान में राकेश शर्मा ने इलाके के सभी पर्यावरणविदों को सम्मानित किया। उनका ये प्रयास है कि हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। प्रगति पैदा होने पर नहीं हुए, आज भी प्रगति का पैदा तब किए हैं उसमें देश गुलाम था, अब देश आजाद है। अब लड़ाई दूसरे तरीके, पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई थी, अब अपनों के खिलाफ है, उन लोगों के खिलाफ है जो समाज को बदनाम कर रहे हैं। तो हमारे प्रगति भी दिन रात मेहनत करके इस समाज को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, इनका भी अभिनंदन हो। अस्पताल रिटायर्ड इंस्पेक्टर है सुशल जी, एक और खड़े रहिए आप, सफाई के साथ साथ स्वयं सेवकों ने मंदिर के बाहर के इलाके को सजाने का काम भी किया, ताकि दिवाली की खुशियां और भी ज्यादा बढ़ जाए। इस वक्त मौजूद है मटियाला विधानसभा के क्षेत्र में, आपको बता दें नजफगढ़ क्षेत्र में है साईं बाबा, जो कि बहुत ही यहाँ का प्राचीन मंदिर है और बहुत ही नामी मंदिर है। इसमें आज प्रगति फाउंडेशन का कार्यक्रम किया गया है, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं वहाँ की एक पदाधिकारी, उनसे हम बात करते हैं आज किस विषय को लेकर ये कार्यक्रम किया गया। मैडम नमस्कार, स्वागत है आपका GNN में। आज के कार्यक्रम की विशेषताएँ बताएँ। विशेषता यही है कि दिवाली विनिमय भारत का कार्यक्रम हम 4 दिवस से चला रहे हैं, 27 अक्टूबर 2024 से 30 अक्टूबर 2024 तक हम ये प्रोग्राम करना था। सभी मार्केटों में देश भर में 1 लाख बाजार हम साफ कर चुके हैं, और नजफगढ़ में लगभग हर बाजार को हमने कवर किया है, चाहे वो मधुविहार का सोलंकी मार्केट हो, चाहे वो द्वारका सेक्टर 3 मार्केट हो, द्वारका सेक्टर 4 मार्केट, नवादा बाजार, साईं बाबा मंदिर के आसपास का मार्केट एरिया, सब हमने माई भारत के जो स्वयं सेवक है उनके सहयोग से, मार्केट एसोसिएशन के सहयोग से, निगम पार्षद के सहयोग से क्लीनिंग वहाँ पे की है, क्लीनिंग ड्राइव चलाई है, ट्रैफिक नियमों के लिए जागरूकता की है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर डिफरेंट चौक पॉइंट्स पे, जैसे ढांसा बस स्टैंड चौक पॉइंट पर, दिल्ली गेट चौक पॉइंट पर, छावला स्टैंड चौक पॉइंट पर, जनकपुरी रेड लाइट पर, सागरपुर रेड लाइट पर, लगभग सभी चौक पॉइंट्स हमने कवर किए इन 4 दिनों में। डिफरेंट हॉस्पिटल्स में हमने वॉलंटियरिंग की है, हमारे स्वयं सेवक
लगभग 400 स्वयंसेवक डिप्लॉय किए गए माय भारत स्वयंसेवक, और सभी ने सभी के सहयोग से हॉस्पिटल्स में हमने आने जाने वाले मरीजों की मदद की, हाउ कैन आई हेल्प यू हेल्प डेस्क सेटअप किया, और जो भी कागजी कार्यवाही होती है जिसमें अक्सर मरीज फंस जाते हैं या उस समय मानसिक स्थिति उस तरह की नहीं होती, तो हमारे वॉलंटियर्स ने उनका सहयोग किया। और सर बहुत ही सफल रहा है कार्यक्रम, और हमें इस बात की बहुत खुशी है आज हम समापन समारोह साईं बाबा मंदिर में कर रहे हैं। यही कार्यक्रम था सर, ये कार्यक्रम आपका था जो कि ट्रैफिक के नियमों को भी संभाले ताकि त्योहार आ रहे हैं, त्योहार के समय पर ये ट्रैफिक सही तरीके से चल सके। और अब यहाँ आ जाती है बात प्रकृति फाउंडेशन की, तो प्रकृति फाउंडेशन क्या करता है? सर प्रकृति भक्त फाउंडेशन प्रकृति के लिए अवेयरनेस करता है, पेड़ पौधे लगाता है, लगभग काफ़ी पौधे इन्होंने हमारे क्षेत्र में लगाए हैं। 3 साल से मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। नेहरू युवा केंद्र संगठन जो कि भारत सरकार का एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, हम प्रकृति भक्त फाउंडेशन के साथ मिलकर बहुत सारी प्लांटेशन ड्राइव चला चुके हैं, अवेयरनेस ड्राइव चला चुके हैं। आज भी आए हुए लोगों को हमने 200 पौधों का वितरण किया एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत, जो कि भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। सभी विभाग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो 200 पौधे आज हमने वितरित किए अभी मार्केट एरिया में, और डोर टू डोर कैंपेन भी हम चलाएंगे। और हमारा टारगेट है कि प्रकृति भक्त फाउंडेशन के साथ मिलकर हम 1500 पौधों का वितरण करें और हर एक व्यक्ति की ड्यूटी सुनिश्चित करें कि वह जो पौधा उनको हम दे रहे हैं उनको पाल पोस कर अपने बच्चे की तरह बड़ा करें। आप इस संस्था में किस पद पर हैं? पौधे भी वितरण करने होंगे। हाँ जी सर, हाँ जी। आप इस संस्था में किस पद पर हैं और आपका परिचय क्या है? सर मेरा नाम अंजलि चौधरी है, मैं जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र दक्षिण पश्चिम दिल्ली के में कार्यरत हूँ। और हमारा बेसिक काम होता है कि सभी विभागों के साथ समन्वय कर विभिन्न अवेयरनेस प्रोग्राम, विभिन्न स्वच्छता प्रोग्राम या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम हम समन्वय के साथ मिलकर करते हैं। जैसे हम NULM के साथ समन्वय करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ, विमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ समन्वय करके, और डिफरेंट NGOs और जो यूथ क्लब्स होते हैं उनके समन्वय से हम कार्य करते हैं सभी जागरूकता कार्यक्रम। ये अभियान न केवल सफाई के लिए था बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक बना। हर किसी ने मिलकर इस पवित्र अवसर पर अपना हिस्सा डाला। आखिर में प्रकृति भक्त फाउंडेशन का ये सफाई अभियान एक मिसाल है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो हमारा पर्यावरण और भी ज्यादा सुंदर हो सकता है। आपने देखा कि अध्यक्ष साहब ने अपनी पूरी जानकारी दी, और आपको बताते हैं कि पहले बच्चों के भविष्य को बनाने का काम करते थे और अब प्रकृति को सुधारने का काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में जहां भी कहीं पेड़ पौधे कटने की बात आती है सबसे पहले खड़े होते हैं, और जहां पेड़ पौधे लगाने की बात आती है वो भी सबसे पहले ही खड़े होते हैं। तो प्रकृति भक्त बनना आसान नहीं है, प्रकृति भक्त बनकर मौजूद खड़े रहना आसान नहीं है, ये काम करके दिखाया है अध्यक्ष साहब। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह यादव के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN News दिल्ली।